आपको भारत में बैंकों के बारे में बताने जा रही है कि इनकी स्थापना कब हुई। एक्सिस बैंक है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, 2007 में हुई थी, और IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुए थे। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था, HDFC का और ICICI बैंक का भी 1994 में हुआ था। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था, यूको बैंक भी 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है इसकी स्थापना 1943 में हुआ था, और देना बैंक 1938 में हुआ था, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुई थी, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, विजया बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी, आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में और सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में हुई थी, और इंपीरियल बैंक है 1921 में स्थापना हुई थी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुआ था, सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ था 1911 में हुआ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुआ था, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में हुआ था, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ था, कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 1906 में हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ था, कनाडा बैंक 1906 में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में हुआ था, अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद बैंक का कब हुआ था 1865 में हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में हुआ था। ये भारत में जो बैंक सब एक्टिव हुए थे, नेशनलाइज भी हो गए थे, और इनके स्थापना कब हुआ था ये हम आपको बताया है। आप सबको एक चीज़ बता दें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जानकारी की बातें हम ज़्यादा बता रहे हैं और ये सब आपके लिए है। जो लोग नए आ रहे हैं, ना आए हैं, जो देखें या फिर से देखें, तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये वीडियो आपको ऑल मोटिव चैनल पे आपका से तरफ से जाता रहे, और आपको इस तरह देखने के लिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।